You can see the sea of women behind me, all rallying behind Kajal Nishad here. The candidate by the Samajwadi Party put up in Gorakhpur. Kajal ji, thank you very much for speaking to us here in India today. आपकी कैंपेन कैसे चल रहा है यहाँ गोरखपुर में? बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि ये काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये मेरी जनता का चुनाव चल रहा है। ये उत्सव हो गया है जनता के लिए, बड़ा ऐतिहासिक चुनाव चल रहा है, जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव चल रहा है और जनता यहाँ जीत रही है। अच्छा, आप मैं देख सकती हूँ कि महिलाओं के बीच आपके ज्यादा कनेक्शन है, ज्यादा प्यार मिल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो एक टर्निंग फैक्टर होगा आपके इस इलेक्शन में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने जो भी चुनाव लड़ा, मेरी जनता ने मुझे भरपूर सहयोग, प्यार, आशीर्वाद दिया, सभी ने मिलकर, चाहे 22 का लड़ा, चाहे 23 का लड़ा, 24 का लड़े थे, तो मिली ना आशीर्वाद, एक तारीख के बटन दबी ना साइकिल वाला, हाँ नहीं मिक्सी ना, हाँ ठीक बा, तो सभी जो है खूब भरपूर प्यार देती है हमको, लगातार मजाक करती है, गनवा गादा हो, चलो सखी वोट देवे वाला गादा हो, जल्दी का बहनी, चला सखी वोट देवे साइकिल निसारी, चला सखी वोट डारे सबको नाच गाओ सखी, नाच गाओ, प्यार है। अच्छा, बर्थडे एक तारीख को, एक सुनी सुनी चाची सुनी, एक तारीख के हमारे जन्मदिन बा, 1 जून के, तो 1 जून को ये सभी हमको ये हमको सब तोहफा देने वाली है, साइकिल वाला बटन दबा के ना हो सकी, साइकिल वाला बटन दबा के सब तोहफा देने वाली है हमको। अच्छा, एक चीज बताइए हमको, सब बोल रहे हैं कि गोरखपुर में रवि किशन जो है बहुत पावरफुल है, एक योगी आदित्यनाथ फैक्टर भी है यहाँ पे, आप वो सब कैसे कॉम्बैट बैटल करेंगे यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं, रवि किशन जी को गरीबों के पसीने से बदबू आती है और हम गरीबों को गले लगाते हैं, उनको निषादों के पसीने से बदबू आती है और हम बच्चों को गले लगाते हैं, महिला को गले लगाते हैं, उनको गरीबों का वोट तो चाहिए, निषादों का वोट तो चाहिए, लेकिन निषादों के और गरीबों के पसीने से बदबू आती है। ये वायरल हुआ था वीडियो, हमने नहीं कहा है, ये उनका वीडियो वायरल हुआ था। दूसरी बात, जो अपनी बेटी को न्याय नहीं दे सकते, जो अपनी पत्नी की मंगलसूत्र का लाज नहीं रख सकते, वो आपकी और हमारी बेटी का मंगलसूत्र का लाज रखेंगे? आए, आपकी बाहरी को भगाना है ना। ऐसे तो भाजपा बोल रहे हैं कि आप मंगलसूत्र छीनने वाले हैं। अच्छा भाई, जो अपने मंगलसूत्र का लाज नहीं रखे है, जो अपनी पत्नी को छोड़कर भागे हैं, जो अपनी पत्नी का बिचारी कह रही है, वीडियो दिखा रही है, फोटो दिखा रही है, उनकी बेटी दर दर की ठोकरें खा रही है, कह रही है डीएनए टेस्ट करवाएंगे, कोर्ट कचहरी जाएंगे, यहाँ तक की बात हो गई है, तभी उनको शर्म नहीं आ रही है, वो अपने मंगलसूत्र का मान सम्मान नहीं रख रहे हैं, वो दूसरों के मंगलसूत्र पर बात करेंगे, किस मुंह से करेंगे? यहाँ पे गोरखपुर में सब ये भी बोल रहे हैं कि निषाद कम्युनिटी जो है आपके पीछे है अभी, और काफी गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ, वो क्यों है, आपको क्यों लगता है? क्योंकि देखिए, एक तो निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला, इन्होंने कहा था आरक्षण देंगे आरक्षण देंगे, आज 10 साल केंद्र में मोदी जी सरकार के हो गए, 7 साल योगी बाबा सरकार राज्य में हो गए, और इन्होंने कहा था आरक्षण देंगे, अमित शाह जी बोले थे लखनऊ में जाके कि आरक्षण की सौगात मिलने वाली है, भाई केंद्र में भी भाजपा की सरकार, राज्य में भी भाजपा की सरकार, कब मिलेगा आरक्षण निषाद समाज को? निषाद समाज सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं, निषाद समाज को अपमानित करेंगे कि आपके पसीने से बदबू आती है, निषाद समाज मारने के कूटने के लिए बने हैं, सिर्फ वोट खाने के लिए और गाली खाने के लिए बने हैं, तो मुझे बताइए। इसलिए निषाद समाज का सहयोग आशीर्वाद
प्यार मेरे साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि माँ फूलन देवी जी को छुड़ाने वाली ही समाजवादी पार्टी है, श्रद्धेय नेताजी है। हमारे महाराज गिरिराज निषाद जी की जयंती पर छुट्टी घोषित करने वाले माननीय अखिलेश यादव जी है और छुट्टी को रद्द करने वाले आदरणीय बाबा जी है। चलिए चलिए, मैं देखता हूँ, हम जाकर देखते हैं और फिर बात करते हैं। There's chaos happening there, so we're interrupting this conversation. We'll come back to it. You can see everyone rushing to that spot there. Cops, it looks like, have turned up. So we'll just briefly cut across to what's happening there and then we'll come back to this conversation. We're right in the heart of all the drama. Mid-conversation, interrupted as cops arrest an SP worker allegedly for putting an SP gumcha on a Modi poster. Slogans like this then ring in the air. यही है योगी जी के शासन प्रशासन, गुंडाई कर रहे हैं, न सबूत दिखा रहे हैं, न वीडियो है इनके पास कि हमारे लोगों ने गमछा लगाया कि गमछा ओढ़ाया, सबूत भी नहीं, वीडियो में पिस्तौल दिखाएंगे, बोल रहे हैं कि सबूत है, दिखाए, जाइए आप पूछिए, आप कुछ जो भी कर है हमारे पास, आप मेरे पास है, आप भाई थाने पे आइए, थाने पे आइए, सबूत है कि नहीं, सबूत है इनके पास, सबूत है हमारे पास, सबूत भी है, उसकी फोटो भी है, दिखाइए भाजपा का काम कर रहे हैं, भाजपा के लिए काम, ये तो नहीं दिखाते, कभी भी नहीं दिखाते, सही पूछे, सही सवाल पूछे तो जवाब नहीं देते, आपको लग रहा है यही कि यहाँ पे फेयर फाइट नहीं बदली होगा, 1 तारीख को यही सत्ता बदली होगी, यही सत्ता उखाड़ना है जनता को, प्रत्याशी महोदय का कार्यक्रम चल रहा है तो प्रशासन बीच में आकर के इस तरह से भगदड़ मचवाई है पब्लिक से, ठीक है पुलिस वाला क्या पकड़ रहा है भाई, कोई यहाँ चोरी नहीं हो रही, कोई बदमाशी नहीं हो रही है। What you get a sense of here from me spending about 30 minutes of all of this chaos is that this is a high voltage battle happening right now in Gorakhpur. The police are involved, there's chaos here, there's anger among the villagers as you heard. It's also a huge deal about the caste, as the Nishad community is gathering and saying you're targeting our community, you're tarnishing and tainting our community. You heard from Kajal Nishad, let's move to our next thought.